तो आज मैं शेयर कर रही हूँ साबुत मूंग की बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सब्जी। इसके बनाने का तरीका थोड़ा अलग है और कम समय में कम सामान से बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट सब्जी बनती है। हाय, मैं उसी में स्वागत करती हूँ आपका अपने कुकिंग चैनल में। फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। इस सब्जी को बनाने के लिए 2 कप मूंग को भिंगो कर ली हूँ। 5 से 6 घंटे में अच्छे से फूल जाते हैं। साबुत मूंग की जगह इसे छिलके वाली भी मूंग दाल आप ले सकते हैं। अब हम भिंगोए हुए मूंग दाल को मिक्सर जार में डालेंगे। इसके साथ डालेंगे हरी मिर्च, 2 इंच अदरक और लहसुन की कलियां और थोड़े से पानी डालकर इससे अच्छा सा एक गाढ़ा पेस्ट तैयार कर लेंगे। पानी इसमें ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे और इस सारे मिश्रण को एक बड़े से बाउल में सबको निकाल लेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे सारे मसाले को। सबसे पहले इसमें हमने यहाँ पे नमक डाला, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक डालें। 1/2 टीस्पून जीरा इसमें हमने ऐड किया है और कसूरी मेथी हाथ पे मसल के 1 चम्मच के बराबर हम इसमें डालें। अब सारे मिश्रण को अच्छे से हम इसमें मिला लेंगे, सारे पेस्ट को अच्छे से बारीकी से मिला लेंगे। हमारी बड़ी अच्छी से सॉफ्ट बनी रहे और लास्ट तक अच्छी से नरम बनी रहे, जिसके लिए हमने यहाँ 1 चम्मच इसमें घी डाला है। आप चाहें तो रिफाइंड भी इसमें डाल सकते हैं या सरसों ऑयल भी इसमें डाल सकते हैं। तेल गर्म हो जाने पर इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच छोटी चम्मच जीरा, 5-6 सूखे लाल मिर्च, दालचीनी, जावित्री और 2 तेज़पत्ता हमने इसमें ऐड किया, थोड़े से 5-6 दाना गोल मिर्च और 2-3 छोटी इलायची। इधर तब तक मैं पेस्ट बना लेती हूँ प्याज का और टमाटर का, जिससे हम ग्रेवी तैयार करेंगे। इसे बारीक मोटे मोटे टुकड़े में काट कर 2 टमाटर हमने यहाँ पर लिया इसके लिए और 2 प्याज और 2 कप हमारी साबुत मूंग थी। तो यहाँ पे इससे बहुत ही अच्छा ज़्यादा टेस्टी हमारी सब्जी बनेगी। और साबुत कुछ लहसुन की कलियाँ इसमें हमने पहले ऐड किया। अब सारे पेस्ट को हम इसमें डालेंगे और अच्छे से इसे चलाएंगे। अब यहाँ पे हम जो पहले से मिक्सर में कुछ बचा हुआ था इसमें का मसाला, इसमें 1 कप के करीब पानी ऐड करेंगे और सबको अच्छे से मिला के इसमें डालेंगे। अब इसमें मैं डाल दी हूँ 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और जो हमने पेस्ट तैयार किया था साबुत मूंग का, उसमें से 1 चम्मच इस मसाले में हम ऐड करेंगे, जिससे हमारी ग्रेवी में अलग टेस्ट आए। अब हम इसमें डालेंगे सारे मसाले को, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच मिर्च पाउडर और 1 चम्मच हल्दी पाउडर। अब सारे को हम इस मसाले में मिलाएंगे, अच्छे से इसको मीडियम फ्लेम पे सारे मसालों को भूनेंगे। अब यहाँ स्वाद के अनुसार नमक डालें, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा कम कर सकते हैं और इस सबको मीडियम फ्लेम पे अच्छे से भूने। अब इस मसाले के ऊपर से हम बड़ी को स्टीम करेंगे, जिसके लिए हमने यहाँ पे एक जाली लिया है। इससे हल्के से रिफाइंड ऑयल से हमने इसे ग्रीस कर दिया, जिससे बड़ी हमारी आसानी से इसमें से निकल जाए बिना चिपके। और हमने देख रहे हैं जैसे कि आप, हमने इससे ऊपर से ढक दिया और सारे बड़ी को छोटी छोटी शेप में आप अपने अनुसार इसे जितना ही छोटी बड़ी लेंगे अच्छे से ग्रेवी में मिल जाएगी। और सारे की एक लाइन से सारे बड़ी को जितना इसमें आ सके थोड़ा सा इसे दूरी दूरी पर एक दूसरे में चिपके नहीं, ऐसे तो ये सारा इजीली निकल जाएगा इसमें से। और सारी बड़ी को तैयार करके अब यहाँ पे कंप्लीट पूरा ढक चुका है, थोड़ी सी हमारी पेस्ट इसमें से मिश्रण बच गई है, तो इससे हम कुछ और बना लेंगे। अब ऊपर से इसे कवर कर देते हैं, इससे कम से कम 20 मिनट के लिए इसे स्टीम होने देंगे, जो कि अच्छे से मेरा तैयार हो चुका है बड़ी। हम इसे एक साइड में रख दिए। अब इसमें 1 गिलास के करीब हम इसमें पानी यहाँ पे ऐड किए, ज़्यादा पानी इसमें ऐड नहीं करना है क्योंकि ग्रेवी हमें मीडियम में बनाना है, ना पतला ना ज़्यादा गाढ़ा। अब यहाँ पर 1 चम्मच के करीब कसूरी मेथी को मसल कर हमने इसमें ऐड किया। कसूरी मेथी को हमेशा लास्ट में ही ऐड करें, जिससे टेस्ट बहुत ज़्यादा आता है, बहुत स्वादिष्ट हमारी सब्जी बनती। अब सारी बड़ियाँ को हम देखिए कितना इजीली ये बड़ी जाली से छोड़ रही है और इजली सारे ग्रेवी में आ गई। ज़्यादा इसमें हमें परेशानी नहीं हुई इसे निकालने में, क्योंकि पहले ने हम इसे ग्रीस कर दिए थे, जिससे इजली ये हमारी बड़ी निकल गई। अब फ्लेम को मीडियम पे करके और इसे कुछ देर के लिए पकने देंगे। देखिए कितनी अच्छी हमारी सब्जी बन के तैयार हुई है। इस सब्जी को ज़रूर ट्राई करें फ्रेंड्स, बहुत ही इजली बहुत ही कम समय में कम सामान से और बहुत झटपट में बन जाती है और टेस्टी इतनी कि मैं बता नहीं सकती। इसे ज़रूर ट्राई करें और इसे पूरी पराठा रोटी चावल जिसके साथ खाना चाहें सर्व करें, एंजॉय करें। तब यहाँ पर बनके हमारी मूंग बड़ी की सब्जी तैयार है।
आप देख के इसका टेक्सचर, इसका ग्रेवी का कलर, सब्जी का कलर देख के आपको अंदाज़ा लग सकता है कि हमारी सब्जी कितनी स्वादिष्ट और कितनी टेस्टी बनी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।